अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस गणतंत्र दिवस पर भारत के संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि भारतीय गणतंत्र की मजबूती के लिए कमलेश शर्मा चौकी प्रभारी थाना कोरबा बेटी बचाओ गंगा को साफ रखो और इस देश राष्ट्रवादी सोच के साथ भारतीय गणतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दिए। सबसे सशक्त गणतंत्र का कोई है वो भारत, और जिस तरह से भारतीय का विशेषता है एक ऐसा गुणवत्ता जिसमें अनेकों तरह के सुर है, बहुभाषाई, बहुधर्मी, बहु संस्कृति वाला देश, और उसके बाद जिस तरह से हम लगातार विकास के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में सशक्त राष्ट्र के रूप में सामने आए, और इसलिए लोग निश्चित रूप से गाइड भी और संविधान बनाने वालों को और गणतंत्र में जिन लोगों ने गणतंत्र बनाने के लिए काम किया और सामने गणतंत्र के लिए भारत वीरों को जिन्होंने शहादत देकर और संघर्ष करके हमें आजादी में आने का अवसर दिया, उन सबके प्रति आज श्रद्धा सुमन प्रकट करते हैं। सभी प्रदेशवासियों को, खासतौर पे गढ़वाल मंडल के सभी हमारे प्रदेशवासियों को और जनपद पौड़ी के सभी वासियों को 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही हर्षोल्लास से, बहुत ही उत्साह के साथ जो हमारी पुलिस फोर्स है और हमारे यहाँ के जो विभिन्न विभाग है इनके द्वारा बहुत सुंदर परेड और बहुत सुंदर सुंदर झांकियों का आज हमें अवलोकन कराया गया। साथ साथ जो स्कूली बच्चे हैं और जो यहाँ पे संस्कृति विभाग है इनके बहुत अच्छे अच्छे जो कार्यक्रम यहाँ पर कराए गए हैं, तो एक बहुत कुल मिलाकर बहुत अच्छा एक जो फेस्टिव माहौल बना है। सभी प्रदेशवासियों मंडल के सभी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दूँ। जैसा आपने कहा कि हमारी पुलिस ने बहुत अच्छी परेड की, उसके लिए सभी बधाई पात्र मंत्री जी ने और जो अधिकारी आए सब पूरी करते हैं।